हेलो फ्रेंड्स, ABFM यूनिट 22 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा टूल्स एंड टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला आपके टूल का नाम है यहाँ पे सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है, तो वैसे ही एक टूल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। यहाँ से देखेंगे सिंपल सर्च दैट आर थ्रो आर इनसफिशियंट। तो बोला कि सिर्फ सर्च ही आप कर रहे हैं तो उससे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो क्या हम करेंगे कि हमें अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें सर्च इंजन के साथ कुछ फीचर्स हमें होने चाहिए। मतलब जब आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें से कुछ फालतू चीज़ों को डिलीट कर दिया जाए और काम की चीज़ों को रख लिया जाए। तो इसमें बोला है कि रूल ऑफ थम दैट रैंक। तो इसमें आप रूल ऑफ थम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट रैंक अवेलेबल ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ दोज दैट आर मोर लाइकली टू अकम्पलिश ए गोल इन ए शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम एंड विथ फ्यूअर स्टेप इन ए सोल्यूशन टू मैनी इशूज। तो बोल रहे हैं कि हमें रूल ऑफ थम को इस्तेमाल करना चाहिए अपने सर्च इंजन में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप रैंक के हिसाब से लगा दोगे, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मान लीजिए आपने उसको रैंक के हिसाब से लगा लिया, तो आपका जो गोल है उसको पूरा करने के लिए कम टाइम में कुछ ही आप इस्तेमाल करोगे, सभी को आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो ये आप अपने सर्च इंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रूल ऑफ थंब को इस्तेमाल करना होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे अवेलेबल ऑप्शन है उसकी रैंक मिल जाएगा, तो हमारे यहाँ जो गोल है उसको हम कम टाइम में कम स्टेप में कैसे पूरा कर सकते हैं, तो वो हमें इसमें पता लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस सर्च मेथोलॉजी में क्या होगा, इसको आप लोग ह्यूरिस्टिक भी बोल सकते हैं। ह्यूरिस्टिक और रूल ऑफ थम एक ही चीज़ है। तो जो ह्यूरिस्टिक आपका जो सर्च मेथोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो ऐसे ऑप्शंस जो कि हमारे काम के नहीं है, जिससे हमारे को कोई गोल नहीं मिलने वाला, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो काम की चीज़ है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ हमारा इसमें फोकस रहता है। ह्यूरिस्टिक गिव्स द कंप्यूटर प्रोग्राम इट्स बेस्ट गेस एज टू द डायरेक्शन इन विच द आंसर्स कैन बी फाउंड। तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद करता है ताकि वो बेस्ट गेस कर सके, यानी सही आंसर दे सके कम टाइम में। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, इट कन्फाइन द सर्च फॉर सॉल्यूशन टू अ मोर मैनेजेबल नंबर ऑफ पोटेंशियल एग्जाम्पल्स। तो ज़्यादा मैनेजेबल, मतलब मैनेजेबल नंबर्स, मतलब आपको उसने 10 रिजल्ट दिए, उसी के बदले में 4 दिए, तो 4 को आप इजिली मैनेज कर सकते हैं ना। तो वही बोला है कि हमें मैनेजेबल रिजल्ट देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे इसका आंसर हमें फाइंड करना है। सेकेंड आपका जो फीचर है आपके इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेकेंड टूल जो है वो है आपका लॉजिक। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है तो सबसे पहले लॉजिक जरूरी है। जैसे कोई आप कुछ भी बात करे जा रहा है तो उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लॉजिक होती है। लॉजिक इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेजोल्यूशन। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है तो उसके लिए लॉजिक बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्च इंटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ, तो अलग अलग लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके बता रखिए कि एक आपका ये लॉजिक है आपका ट्रूथ फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बात सही है गलत है, तो उसके किसी भी चीज़ के सच होने का जो प्रॉबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉबिलिटी होगा सच होने का, तो 0 या 1 के बीच में इसमें होता है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिससे हमें जानने की कोशिश की जाती है कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमारे पास कई सारे टूल्स हैं जिससे आप लॉजिक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कैजुअल कैलकुलस हो गया, आपका बिलीफ कैलकुलस हो गया, मॉडल लॉजिक हो गया, फ्लड कैलकुलस हो गया, इवेंट कैलकुलस हो गया, सिचुएशंस कैलकुलस और आपका डिस्क्रिप्शन लॉजिक। तो कई सारे हमारे लॉजिक के एक्सटेंशन हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉजिक के लिए इतना ही सफिशिएंट आपका लॉजिक। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करते हैं, तो आपको लॉजिकल वे में उसको करना होता है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे लॉजिक की बात की गई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी कई सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो जैसे कोई ह्यूमन बींग है तो वो सही तरह से प्रोसेस कब कर पाएगा, जब उसका दिमाग बराबर काम करेगा, जब वो लॉजिकली बात करेगा। अब कोई अनाज बना कुछ ही बोलेगा तो उसको बोलोगे तो पागल है, तो कुछ भी बोलता है। तो सेम चीज़ मशीन के ऊपर भी लागू होती है कि मशीन अगर बिना किसी लॉजिक की कोई बात करेगी तो उसको हमें लगेगा कि ये तो किसी काम की ही नहीं है। तो प्रॉपर लॉजिक होना जरूरी है। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो वो भी क्या करता है कि लॉजिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करता है। कई सारे लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो कि इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम भी दिया कि उन सभी फ्रेमवर्क को, उन सभी एक्सटेंशन को आप लॉजिकल इस्तेमाल कर सकते हो और वो आपकी मदद करता है किसी भी बात को समझने के लिए। अगला आता है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड फॉर अनसर्टेन रीजनिंग। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी भी चलती है, कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोबेबिलिटी को भी इस्तेमाल करता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक
ठीक है, द एजेंट मस्ट बी एबल टू वर्क विद अनक्लियर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉल्व करनी होती है, तो जो आपका मशीन है, जो एजेंट है, उसको काम करना होता है अनक्लियर या पार्शल नॉलेज। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो, कि कई बार आपके पास आधी इन्फॉर्मेशन है या अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो सिस्टम जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो मशीन है आपका, मशीन लर्निंग जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोच सके अनक्लियर डेटा और पार्शल नॉलेज के साथ भी वो सोच सके कि किस तरह से काम करना है। रिसर्चर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव डेवलप ए वैरायटी ऑफ टूल्स टू हैंडल दिस इशू बाय अप्लाइंग स्ट्रेटजी ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बोल रहा, बहुत सारे रिसर्चर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे टूल्स बनाए जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इकोनॉमिक थ्योरी के फील्ड से ही आए हैं। मतलब जैसे हम लोग है ना, कई बार हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं मालूम है तो हम क्या करते, तुक्का मारते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो सेम वही चीज़ आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लागू होती है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपका एक बेसिन थ्योरी है, बेसिन नेटवर्क, वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो बेसिन नेटवर्क कैसे काम करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे आप वेदर की बात कर लीजिए कि अगर वेदर अच्छा होगा तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। वेदर अच्छा होगा तो लोगों की जो है सेल्स, अगर मान लीजिए ठंडा वेदर है तो गर्म कपड़ों की सेल्स बढ़ेगी, या गर्म वेदर है तो जो गर्मी के कपड़े एसी, उसकी सेल्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर एक ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, तो इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है। तो उसी नेटवर्क को आपका बेसिन नेटवर्क बोला जाता है। तो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस वाले बेसिन नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका बेसिन नेटवर्क है, इट वॉज डेवलप बाय बेसियन इंफरेंस एल्गोरिथम। तो इस बेसिन इंफरेंस एल्गोरिथम की हेल्प से आपका ये डायनामिक बेसिन नेटवर्क मॉडल को बनाया गया था। तो इसमें प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब चांसेस कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा मतलब हम 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ बहुत ज्यादा वो सही होता है, वो सही जाता है। यूटिलिटी में आपकी यूटिलाइजेशन डिसीजन थ्योरी है, डिसीजन एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन वैल्यू थ्योरी है। तो ये सारे टूल्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको एजेंट इस्तेमाल कर सकता है अपना डिसीजन लेने के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई। अगला आता है आपका क्लासीफायर्स एंड स्टैटिकल लर्निंग मेथड। क्लासीफायर का मतलब क्या होता है, इफ शाइनिंग देन डायमंड, मतलब इफ देन, वो सारी जो बातें की जाती है, इफ दिस, अगर शाइन कर रहा तो वो डायमंड होगा। तो इस तरह से क्लासीफायर मॉडल में किया जाता है। एंड कंट्रोलर आर टू सॉर्ट ऑफ AI एप्लीकेशंस दैट आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात की, क्लासीफायर्स और कंट्रोलर की बात की। क्लासीफायर्स मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा होगा, ठीक है, इफ डायमंड देन पिकअप, अगर डायमंड है तो उसको पिक कर लेंगे। तो इस तरह की बात की जाती है क्लासीफाई मॉडल में। तो क्लासीफायर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्लासीफायर्स आर फंक्शंस दैट डिटरमाइन द क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच बाय कंपेयरिंग ए पैटर्न टू द पैटर्न बीइंग कंपेयर। तो आप इस क्लासीफायर में क्या होता है कि सबसे क्लोजेस्ट मैच क्या है वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है, सबसे क्लोजेस्ट जो मैच है वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है किसमें, क्लासीफायर्स में। यहाँ पे एक लाइन लिखी डेटा सेट के ऊपर, डेटा सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद द लेबल्स देवर गिवन फॉर देयर कैटेगरी। सो डेटा सेट में क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपको दी जाती है अलॉन्ग विद लेबल। लेबल मतलब ये ऐसा डेटा है, वो वैसा डेटा है, तो डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे डेटा की लेवलिंग की है कि ये ह्यूमन का डेटा है, ये एनिमल का डेटा है, तो प्रॉपर लेवलिंग डेटा की जाती है, ठीक है। व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज ऑब्टेंड, जब एक नया ऑब्जर्वेशन आता है, आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा कर रखा है उसके लेबल के साथ, जब एक नया ऑब्जर्वेशन आता है, दैट ऑब्जर्वेशन इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो पास्ट में जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उस नई ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज किया जाता है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, उनका लेबल लगा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ह्यूमन का डेटा है, जानवरों का डेटा है, तो आपने एक डेटा सेट बना रखा है। ह्यूमन का तो आप लेबलिंग है कि ह्यूमन डेटा है, जानवर का तो लेबलिंग है कि जानवर का डेटा है। तो अब सिस्टम उसको समझ चुका है, तो अब सिस्टम कैसे क्लासीफाई करेगा। मान लीजिए आपने कोई नया ऑब्जर्वेशन दिया, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है अलॉन्ग विद लेबलिंग, अब एक नया ऑब्जर्वेशन आया तो सिस्टम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किस कौन सा है, क्या ये ह्यूमन का है या फिर ये एनिमल का डेटा है, तो एनिमल का है तो एनिमल वाले में डाल देगा, ह्यूमन का तो ह्यूमन वाले में डाल देगा। तो इस तरह से जो सिस्टम क्लासिफिकेशन करता है। तो कई सारे तरीके जिनसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, और कई सारे स्टैटिकल और मशीन लर्निंग मेथोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास है जिसकी हेल्प से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक आपका होता है डिसीजन ट्री, तो ये भी एक एल्गोरिथम है जो कि चीज़ों को समझने में आपकी काफ़ी मदद करता है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में क्या होता है, जैसे आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो मान लीजिए आपने एक्स या वाई लिया, अगर एक्स लिया तो ऐसा होगा, वाई लिया डिसीजन तो ऐसा होगा, तो ठीक है पूरा का पूरा ट्री फॉर्म हो जाता है। तो उस तरह से आपका डिसीजन ट्री भी एक टाइप का एग्जाम्पल है आपके क्लासीफायर का, ठीक है। ऐसे एक होता है आपका
पहले मतलब जो मॉडल यूज होता था ना 1990 तक, तो उस टाइम पे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम काफी पॉपुलर मॉडल था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता था। तो के नियरेस्ट एल्गोरिथम मॉडल में क्या होता कि नियरेस्ट जो पॉइंट है उनको जोड़ के उनके बीच में उनका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था। फिर बाद में इसका यूज थोड़ा कम हो गया। और अभी की हम बात करें तो जो नेव बेयर्स क्लासिफायर है गूगल का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि गूगल इस्तेमाल करता है अपने क्लासिफिकेशन। पहले आपका के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम मॉडल को इस्तेमाल किया जाता था। फिर यहाँ पे बोला है कि द सक्सेस ऑफ क्लासिफायर इज हैवली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा दैट नीड टू बी क्लासिफाइड। तो जिस डेटा को आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज पे काफी डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुली क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं कि आपका जो डेटा सेट है उस पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। और ठीक है, चलिए इसके साथ ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक को अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। ये जो टूल्स हैं इनके नाम बस आप लोग याद रखिए, एक एक नंबर में आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें से ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है, बस ये टूल्स के नाम है कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला टूल है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, तो उसकी यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे आपका रूल ऑफ थंब और या हेरो किस आपका हेरोस्टिक जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर वे में आपका काम कर सकता है। और हेरोस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस है उसमें से जो काम के ऑप्शंस नहीं है उनको डिलीट कर दिया जाता है, और जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस है उनको रैंक के हिसाब से दिखाया जाता है ताकि आप कम टाइम में अपना सही आंसर फाइंड कर सके। तो वही आपका सर्च इंजन है। और सेकेंड आपका लॉजिक, कि जब भी आप कोई आंसर देना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, तो आपको लॉजिक का जरूरत पड़ता है। तो लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है। तीसरा आपका है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, यानी जो है ऐसा नहीं कि हमेशा इसके पास आंसर पूरा डेटा रहेगा, तो कई बार अनक्लियर या पार्शल नॉलेज भी रहता है, तो उसके आधार पे मशीन को कैलकुलेट करना होता है कि क्या आंसर सही है। तो उसके लिए वो प्रोबेबिलिटी इकोनॉमी इसको भी इस्तेमाल करता है। अब बेसल का जो नेटवर्क है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें प्रोबेबिलिटी बताता है, जैसे वेदर अच्छा है तो लोग ज़्यादा गर्मी का वेदर अच्छा है तो लोग ज़्यादा एसी खरीदेंगे, सर्दी का वेदर ज़्यादा अच्छा तो वो ऐसा करेंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस किया जाता है। और क्लासीफायर एंड स्टैटिकल लर्निंग मेथड। तो क्लासीफायर का मतलब क्या होता है, जैसे इफ देन का स्टेटमेंट, इफ शाइनिंग देन डायमंड, इफ डायमंड देन पिकअप, तो इस तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो आपका क्लासीफायर हो जाएगा। कंट्रोल तो हम ऑलरेडी काफी देख चुके हैं। और तो क्लासीफायर में एग्जैक्टली क्या होता है, क्लासीफायर आर फंक्शन दैट डिटरमाइन द क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच बाय कंपेयरिंग अ पैटर्न। तो जो पैटर्न है आपके पास जो चीजें हैं उससे आपको क्लोजेस्ट मैच ढूंढना पड़ता है, तो वही आपका क्लासीफायर इसमें हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे बोला है कि आपके पास प्रॉपर एक डेटा सेट रहता है, तो डेटा सेट में आपके पास कई सारी ऑब्जर्वेशन रहती है जिसका लेबलिंग होता है। तो जब भी आप कोई नया ऑब्जर्वेशन डालते हैं तो जो आपका सिस्टम है जो क्लासीफायर है वो देखता है कि कौन से ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा मैच कर रहा है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसके हिसाब से वो अपने डेटा को डालते हैं। तो इस तरह से आपका क्लासीफायर का मॉडल काम करता है। ट्रेनिंग ए क्लासीफायर कैन बी डन, तो कई सारे तरीके जिससे आप क्लासीफायर कर सकते हैं, और आपकी स्टैटिकल और मशीन लर्निंग मेथड कई सारे आपके पास अवेलेबल रहते हैं। डिसीजन ट्री भी एक आपका मशीन लर्निंग मेथड है जिससे आप क्लासीफायर कर सकते हैं। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम ये भी क्लासीफायर का एक मॉडल है, लेकिन अभी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी के टाइम पे जो है बेस क्लासीफायर मॉडल जो है गूगल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो नियरेस्ट पॉइंट है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो पास पास नियरेस्ट है ना उन पॉइंट को जोड़ के उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था। बोल रहा है जो क्लासिफायर मॉडल है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है जो आपका डेटा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं ना आपके डेटा की क्या प्रॉपर्टीज है उस बात पे क्लासिफायर का सक्सेस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपका डेटाबेस का साइज कितना है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, बल्कि इस बात पर भी काफी डिपेंड करता है कि जो आपका डेटा सेट है वो जिसको आप क्लासीफाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उस पर काफी ज्यादा ये डिपेंड करता है। इसके साथ ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आपका कंप्लीट इसमें हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉरलिटी। ठीक है, मॉरल वैल्यूज होती है ना इथिक्स, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉरलिटी कैसे लिंक्ड है, तो यहाँ पे बोला है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मॉरलिटी एंड इथिक्स आर एविडेंट एंड डिबेटेबल, एंड देर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट कमिंग आउट विद वेरियस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और इथिक्स को लेके कई सारे अलग अलग थॉट्स दिए गए। ठीक है, वन फैक्शन कंटेंट दैट करंटली देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी विदाउट वर्क। तो बोल रहा है कि एक जो ग्रुप है वो सोचता है कि जो है काफ़ी लोग हैं जो बहुत गरीबी में रह रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। जो दूसरा एक ग्रुप है वो सोचता है कि देर इज़ वेरी लिटल टू नो रीज़न टू क्रिएट ए मैकेनिकल लेबर। तो बोल रहा है कि कोई कारण ही नहीं है
कि कोई मैकेनिकल लेबर बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रुप सोचता है कि लोग बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं तो क्यों ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना है। एक बोलता है कि कोई कारण ही नहीं है कि हम मैकेनिकल लेबर्स को बनाए, एंड द फैक्ट दैट वी शुड बाय नो मीन्स अटेम्प्ट टू बिल्ड मैकेनिक्स दैट आर कैपेबल ऑफ डिबेटिंग अस ऑन सच टॉपिक। वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटेंड दैट ह्यूमन सिविलाइजेशंस कैन नॉट एडवांस और मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स विदाउट द असिस्टेंट ऑफ मशीन दैट आर कैपेबल ऑफ एटलीस्ट सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। तो एक ग्रुप लोगों का ये सोचता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस है, जो ह्यूमन सभ्यता है, वो एडवांस मतलब ग्रो नहीं कर सकती, और जो भी रिसोर्सेज वो अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं कर सकती बिना मशीन्स की हेल्प के। तो मतलब एक ग्रुप सोचता है कि मशीन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेफिनेटली वन दैट होल्ड अलॉट। तो जो बोल रहे तो ये इसमें बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्टडी है उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक मेनी अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैविंग अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव। तो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है, जो हम जी रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन दैट इट इज़ नॉट टू डिस्टिंग फ्यूचर वी विल हैव एसेस टू इंटेलिजेंस मशीन दैट विल मेक आवर लाइफ ईजियर एंड मोर बेस्ट। तो बोल रहे ऐसी ऐसी मशीन्स आएगी जो हमारी लाइफ को बहुत आसान और खुशनुमा बना देगी। देर इज नो रीजन टू कंसर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम पीपल मे आर्ग्यू अदरवाइज। तो बोल रहे कोई कारण ही नहीं है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सोचने की, बुरा सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई फायदे, लेकिन कुछ लोग इसके अपोजिशन में आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फायदे बोले कि क्या क्या फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। फिर अगला बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल मशीन्स लाइक एनी अदर टाइप ऑफ मशीन्स कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय देयर ह्यूमन प्रोग्रामर। तो जिसने जो प्रोग्राम बनाया है, जैसे बाकी मशीन है वैसी AI मशीन भी वही काम करती है, वही इंस्ट्रक्शन मानती है जो उसके प्रोग्रामर उसको बोलते हैं। हाउएवर देयर इज रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट दैट वी विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द यूजफुलनेस। तो बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी ताकि हम मैक्सिमम जो है इसको यूज़ कर सके। एक्सपर्ट सिस्टम हैव द पोटेंशियल टू बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंस टू पीपल, हाउएवर देर आर सम टास्क दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय इवन द मोस्ट। तो बोल रहे हैं वैसे तो AI आपके सारे काम कर देगा, बट कुछ ऐसे टास्क है जिसको बहुत एडवांस मशीन भी नहीं कर सकते। देर इज देर फॉर अ नीड फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुडिसली लेस स्टेट प्रूफ टू बी कर्स। तो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं ऐसे यूज़ करना चाहिए ताकि ये हमारे लिए फायदेमंद हो, ना कि कर्स हो। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक बातों के यहाँ पे बारे में बात की गई है। चलिए लेट अस सम अप हमारे यहाँ पे इसमें आ गया। एक छोटा सा टॉपिक था, इसको देख लेते हैं। टॉपिक क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉरलिटी क्या है। मॉरलिटी होता है इथिक्स, मॉरल वैल्यूज। तो बहुत से लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना फायदेमंद है। ठीक है, तो अलग अलग थॉट्स है। जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो कुछ लोग उसके लिए अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। आजकल सोशल मीडिया में ना कुछ लोग उसकी कोई भी किसी का पोस्ट आ जाता है, तो किसी भी फिल्म स्टार का पोस्ट आता है तो कुछ लोग उसको लाइक करना शुरू करते हैं, कुछ डिसलाइक। तो अलग अलग थॉट्स होती है। तो सेम ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या इथिक्स है, क्या थॉट है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि ऑलरेडी बहुत गरीबी चल रही है। ठीक है, इतनी गरीबी चल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, क्यों ऐसे मशीन्स बनाना जो लोगों का काम करें, तो इससे जॉब जाएंगे, ऐसा लोगों को लगता है। और देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये बात भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर से पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा, अगर हम बैंकों की बात कर रहे हैं तो बैंकों में एक ब्रांच में 10 से 12 स्टाफ होते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर्स आए तो तब से उसको 2, 3, 4 से कर दे। तो बहुत हद तक जो है ये बात सच है कि काफ़ी जो है लोगों की जो जॉब्स है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, प्लस दूसरी अगर हम बात करें, बहुत से लोगों को लगता है कि कोई कारण ही नहीं है कि हम मैकेनिकल लेबर क्यों बनाएं। ठीक है, कोई लेबर बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी सोसाइटी है जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो बात ही नहीं करना चाह रहे कि ये फायदा है या नुकसान है। कुछ लोग होते हैं ना, कोई टॉपिक को ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, इस टाइप के भी थॉट के लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो AI को ना अच्छा बताते हैं ना बुरा बताते, वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा इसमें बोला बोला कि AI का स्टडी आप करोगे काफ़ी एक्साइटमेंट चीज़ है, जैसे बाकी की टेक्नोलॉजी AI भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। ठीक है, और बोला कि AI की हेल्प से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई, बहुत आसान हो गई है। और कुछ लोग इसके अपोजिशन में भी बोलते हैं, लेकिन साथ में कुछ इसके फायदे भी यहाँ पे हैं। फिर बोल रहे हैं कि AI क्या करती है, जैसे जो उसका प्रोग्रामर जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है उसको मानती है। ठीक है, और तो AI को इस तरह से डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे जो यूजफुल है मैक्सिमम हो सके, मतलब इससे हम ज्यादा ज्यादा काम ले सके, ज्यादा ज्यादा ये आउटपुट दे सके, इस तरह से हमें AI सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। तो बोल रहे हैं AI सिस्टम इस तरह से हमें डेवलप करना चाहिए कि हमारे लिए ये फायदेमंद हो, ना कि कर्ज हो। ठीक है, इस तरह से हमें देखना चाहिए। और बहुत सी चीजें, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी है जहाँ पे बहुत एडवांस सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहे, तो मतलब कुछ टास्क ऐसे बचे जो कि एडवांस मशीनें भी नहीं कर पा रही, तो इस तरह के कुछ टास्क भी बचे हुए हैं। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि AI को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि कर्ज के लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेट अस सम अप हमारा आ गया, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है।
ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, सो पहला पॉइंट है द फील्ड ऑफ स्टडी नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेकिंग पीपल मोर, तो बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों को इंटेलिजेंट बनाना, तो ये ऐसा कुछ नहीं इसका मतलब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा मतलब नहीं कि लोग इंटेलिजेंट बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। वन ऑफ द गोल ऑफ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू मेक द वर्ल्ड, बोल रहा है कि वर्ल्ड को एक सेफ जगह बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाएगा, ये बात भी गलत है। द फील्ड ऑफ स्टडी नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क टूवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, तो मतलब ऐसी मशीन्स बनाना जो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो, मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज हो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी मशीन्स बनाना जो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो, रोबोट्स बनाना, तो वो सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग क्या होता है कि बहुत सारा फालतू का डेटा है उसमें से काम काम की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना, उसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। तो बोल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा माइनिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, डेटा माइनिंग अलग चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे प्रोग्राम बनाना जो कि ह्यूमन बींग की नकल कर सके, ह्यूमन बींग कैसे सोचता है उसकी नकल कर सके, वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिर्फ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बेस्ट और सही आंसर यहाँ पे होगा। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मशीन दैट हैज बेनिफिट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी मतलब मशीन है जिसको फायदा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, सॉरी कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी मशीन ही, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको फायदा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो अलग अलग फील्ड की यहाँ पे बात की है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये बात सही है कि मशीन लर्निंग से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में भी मदद करेगा, तो यही आपका आंसर है। वेबसाइट को बनाने के लिए या ऐप को क्लाउड में लोड करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं है इसका यूज, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में होने वाला है, तो सेकेंड का आंसर यहाँ पे ए इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इस सब में मदद करता है, क्योंकि कंप्यूटर ही जो ह्यूमन माइंड की तरह सोच रहा है, तो ह्यूमन माइंड जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है ना, तो मशीन भी ऐसे काम करने लगेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम यूज ऑफ, तो कौन सा बेनिफिट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा। पहले इट शॉर्टन द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो है टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि मशीन है ना, मशीन फटाफट काम कर लेगी, तो आपका टाइम बचा लेगी, ये बात सही है। कंट्रीब्यूट टू प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, ये काफी सेफ है, सिक्योर है, कंप्यूटर अगर हम नॉर्मल कुछ बात करें। हैविंग द मेंटल कैपेसिटी टू रीजन मेक्स द प्रोसेस गो मोर स्मूथली, तो जैसे आप रीजनिंग लगाते हैं ना दिमाग में रीजनिंग, तो ऐसी मशीन के अंदर मेंटल कैपेसिटी आ जाएगी रीजनिंग की, ताकि आप स्मूथली वे में काम को कर सके। और लास्ट है ऑल दी अबव, तो ये सारी बातें सच है, इतने सारे फायदे आपको होंगे, इतने सारे बेनिफिट आपको होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन, उन्होंने गलती से एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन कुछ नहीं है आपका, थर्ड क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, सेम चीज लिखी, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा है, इसका आंसर भी डी है, एक ही है, तो थर्ड क्वेश्चन को उन्होंने गलती से प्रिंट मिस्टेक करके आपको चौथे में भी वही क्वेश्चन चिपका दिया, ठीक है, तो ये आप इग्नोर कर दीजिए या फिर दोबारा पढ़ना पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, तो बोल रहे अलग अलग डोमेन है, तो कौन से डोमेन को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जब आप एक अच्छा इंटेलिजेंस सिस्टम बना लेंगे। फिलोसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर जगह पे, हर साइंस में आपका यूज होगा। बायो की बात करें तो रोबोट्स ही फ्यूचर में आपका ऑपरेशन ये सब करने लगेंगे, सोशियोलॉजी आपका, फिलोसफी, तो हर जगह पे आपको हर साइंस में जो है इसको बेनिफिट होने वाला अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ग्रो करती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।